नमस्कार सभी अप्रेंटिस भाइयों को। दोस्तों बात करेंगे तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो कोई भी मीटिंग चल रहा उसका कोई अपडेट क्यों नहीं है, और इसी को लेकर दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। आगे आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा गया। बाकी बात करें तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने और भी बहुत सारे जो नेता हैं इनके, उन्होंने क्या किया पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो भी कुछ मीटिंग किया गया उसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा और इसके आगे क्या होने वाला। तो बात करें दोस्तों जो कि 17 और 18 नवंबर को पीएनबी मीटिंग जो भी किया गया था, तो उसके नतीजा दोस्तों फिलहाल आने वाला है दोस्तों, बट ये नतीजा नहीं आया था। इसको लेकर दोस्तों मैंने ही खुद एक वीडियो बनाया था कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक हम लोग के सामने रखा जाएगा, जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं उनके सामने कब रखा जाएगा कि आखिर पीएनबी के मीटिंग में क्या कुछ हुआ, जो कि 17 से 18 दिसंबर के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग था वो किया गया। तो बात करें दोस्तों इस मामले में रेल मंत्री सीआरबी के साथ एक व्यक्तिगत मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, एक पर्सनल मीटिंग किया जाएगा रेल मंत्री और सीआरबी के बीच, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस के मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। तो और जैसे ही वो मीटिंग हो जाती है दोस्तों, उसके बाद रेलवे समायोजन का फैसला आएगा। जी हाँ दोस्तों, कि रेलवे में अप्रेंटिस वालों को किस हिसाब से वहाँ पे परमानेंट करना चाहिए या कुछ जो कुछ भी वहाँ पे कंडीशन रखा जाएगा, देखते हैं कि रेलवे मंत्री की तरफ से क्या वहाँ पे रिस्पांस आता है सीआरबी और रेलवे मंत्री का जो पर्सनल मीटिंग होगा उसके बाद। और यही था अपडेट दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको रेलवे अप्रेंटिस के रेगुलर मिलते रहिए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपना फीडबैक नीचे जरूर दीजिए #ActApprenticeZindabad। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो सके जितना हो सके शेयर कीजिए। और देखिए आपके शिव गोपाल मिश्रा जी और भी नेताजी ने क्या कुछ कहा था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सिर्फ और सिर्फ आपके मसले पर होने वाली है, और मुझे पूरी आशा है कि उस मीटिंग के बाद